केंद्र सरकार अब बिहार सरकार के नक्शे कदम पर चलना प्रारंभ किया है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि बिहार में सबसे पहले महागठबंधन सरकार बनते ही नौकरी युवाओं को देना प्रारंभ किया। उसी तर्ज पर अब मोदी सरकार ने 10 लाख नौकरी देने की बात कही और जिसमें धनतेरस के दिन रोजगार मेला लगाकर 75,000 युवक युवतियों को कई सेक्टर में नौकरी दी गई है, यानी ज्वाइनिंग लेटर दिया है। सबसे पहले मैं बताऊं आपको कि वादे केंद्र सरकार ने किए थे लेकिन नौकरी नहीं दी जा रही थी, लेकिन जब बिहार में भाजपा से नीतीश कुमार अलग हुए और महागठबंधन में जब वो आए और राजद के तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने पहली प्राथमिकता बताई कि नौकरी युवाओं को देना है। और पत्रकारों ने भी पूछा और तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने मिलकर नौकरी का पिटारा खोला और कई चरण में चरणबद्ध तरीके से नौकरी बांटना प्रारंभ किया, जिसमें पिछले दिन लगभग 10,000 स्वास्थ्य विभाग में ज्वाइनिंग लेटर भी देने का काम किया। अब बिहार के सरकार के नक्शे कदम पर अब मोदी सरकार भी चलना प्रारंभ किया है, क्योंकि मोदी सरकार को आईना कहीं न कहीं बिहार के महागठबंधन सरकार ने दिखाया और यह जताया कि रिक्त पद जो पूरे भारत के कई सेक्टर में खाली पड़े हुए हैं, उस रिक्त पदों को क्यों नहीं भरा जाता। नौकरी पर्याप्त मात्रा में लोगों को मिल सकती है, लेकिन सरकार ने रिक्त पद को भरना उचित नहीं समझा। वही हाल केंद्र सरकार की है, वही बिहार सरकार की थी। बीजेपी की सरकार बिहार में नीतीश कुमार के साथ थी तो नौकरियां लोगों को नहीं मिल रही थी, लेकिन जैसे महागठबंधन की सरकार बनी और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने कि हर विभाग में नौकरी दी जा रही है लोगों को। अब आप इससे सोच सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बिहार में थी तो युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा था, नौकरी नहीं मिल रहा था, और सरकार बदलती है और महागठबंधन की सरकार बनती है तो लोगों को नौकरियां मिल रही है। इससे यह स्पष्ट होता है कि कहीं न कहीं भाजपा सरकार ने जनता को ठगने का काम किया। कभी प्राथमिकता नहीं दिया नौकरी का, ऐसो आराम नेतागण करते रहे, मंत्री बन के मलगुज्जा मारते रहे, लेकिन तेजस्वी ने लंबी राजनीति करनी है, उन्होंने स्पष्ट किया कि पहले जनता का घाम और नौकरी फटाफट दी जा रही है। अब केंद्र सरकार मजबूर हो गई कि जब बिहार सरकार नौकरी दे रही है तो मैं नहीं दूंगा तो पीछे रह जाऊंगा, तो अब 10 लाख नौकरी की घोषणा कर दी गई है, जिसमें 75,000 युवा छात्र छात्राओं को ज्वाइनिंग लेटर केंद्र सरकार ने रोजगार मेला लगाकर जिला हर जिले में दिया, जिसमें मुजफ्फरपुर, कटिहार, पटना सहित पूरे देश के युवाओं को नौकरी मिली है। यह शुरुआत अच्छा है। बिहार के देखा देखी अब केंद्र सरकार भी नौकरी दे रही है। बिहार के नीतीश और तेजस्वी अगर प्रेरणा दे रहे हैं केंद्र सरकार को और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, तो यह बड़ी बात है। अब रोजगार और नौकरी मिलना प्रारंभ हो चुका है। युवा वर्ग जो फॉर्म भरे हैं, जिनकी काउंसलिंग हुई है, जो पेंडिंग मामला है, उस पर अविलंब नौकरी बिहार सरकार देने के लिए कटिबद्ध है। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24, मैं विवेका। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।